अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको पापलेट की मछली को तलने का तरीका बताने जा रही हूँ। अक्खी मछली मैं इसलिए नहीं तल रही हूँ क्योंकि लोग हमारे घर में खा खा के कोई कोई छोड़ देता है तो नुकसान हो जाता है। तो उसको मैंने खूब अच्छा साफ़ कर लिया, बना लिया, काट लिया। एक पापलेट में से देखिए तीन तीन पीस किया है और अब इसको मैं बोटी में को चीरा ऐसे लगा ले रही हूँ। चीरा लगाने से जो मसाला मैं डालने वाली हूँ वो इसमें अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा। ये इस तरह से आप बनाइए, अनाड़ी भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा और यमी बनता है। ये देखिए, अब इसको देखिए पूरा मेरा चीरा मार गया है। ये देखिए इस तरह से ये है ना, छोटे छोटे पीस करिए ना, तीन पीस है एक पापलेट में से। तो अब इसके अंदर मैं मसाला डालने जा रही हूँ। मैं चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, ये ज़्यादा तीखा भी नहीं है और हल्का तीखा होता है, रेड कलर का है, बहुत ही यानी ये चिल्ली पाउडर होता है। आप अपने हिसाब से मिर्ची बुक्की को डालिए। अब इसके अंदर मैं टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दे रही हूँ। इस तरह नमक डालने के बाद इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही मछली भी गर्म होती है और अदरक डालने से अदरक भी गर्म हो जाता है। वैसे तो लहसुन भी है गर्म, मगर मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ। ये है लीमू, अब इसको मैं इसका रस डाल दूँगी। इस तरह से देखिए डालने के बाद ना ये पूरा रस मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आप अच्छे से हाथों से ऊपर नीचे करके खूब अच्छा सा मिक्स कर लीजिए ताकि ना इसके अंदर सब तरफ से लहसुन और मिर्ची नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पूरा मसाला इसमें लग गया है ना, अब इसको मैं 15 मिनट के लिए इस तरह छोड़ दूंगी ताकि इसका बदन सब मसाले को सोख ले। अब मैं सोख लिया है, अब चूल्हे के पास आ गई हूँ। अब आप इसको मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल में फ्राई करिए। इस मैं दो ऑयले पे फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि बच्चे देखिए तेल हो गया है। अब इसके अंदर मैं फिश को डाल दे रही हूँ। ये देखिए रेडी हो गई है। ये देखिए ये मछली हमारी रेडी हो गई। अब इसमें और दूसरा एक मर्तबा तल के बता दे रही हूँ। इस तरह से आप मछली को उलट पलट करके अच्छा सा देखिए स्लो आँच है ना, इसको स्लो स्लो पर अच्छे से तल लीजिए। ये देखिए दो एले पे मैं कर रही हूँ, बीच का एला ज़रा ख़राब हो गया है, ये इस पर भी तल रही हूँ। बीच का छोड़ के देखिए इस पर भी तल रही है, मेरी रेडी हो गई है।